साथियों, 2014 के बाद से देश कोऑपरेशन इन स्पिरिट, कोलैबोरेशन इन एक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज को लेकर लगातार आगे चल रहा है। आज भारत सस्टेनेबल ग्रोथ का एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहा है जो पूरे विश्व के लिए लाभकारी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा सैनिटेशन प्रोग्राम, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम, ऐसी अनेक योजनाएं जिसके अनुभव दुनिया के विकास में मदद कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बहुत कुछ सीख रहा है और देश के लोगों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए उतना ही तत्पर भी है। फ्रेंड्स, अलग अलग सेक्टरों पर, अलग अलग क्षेत्रों में इसके परिणाम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। 6 साल पहले देश में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड पर डे करीब 12 किलोमीटर थी, पर डे 12 किलोमीटर। आज ये पर डे 30 किलोमीटर के आसपास है। 6 साल पहले स्थिति ये थी कि एक साल में 600 किलोमीटर रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, बिजलीकरण हो रहा था। एक साल में 600 किलोमीटर, पिछले साल हमने 5,300 किलोमीटर रेलवे रूट का बिजलीकरण किया। इस साल, 6 साल पहले हमारे एयरपोर्ट्स करीब 17 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करते रहे, अब 34 करोड़ से ज्यादा को हैंडल कर रहे हैं। 6 साल पहले हमारे मेजर पोर्ट, उस पर कार्गो हैंडलिंग करीब 550 मिलियन टन के आसपास थी, अब ये बढ़कर 700 मिलियन टन के पास पहुंच गई है। और एक महत्वपूर्ण चीज हुई है जिसकी तरफ भी आपका ध्यान देना जरूरी है, ये है मेजर पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम। 6 साल पहले पोर्ट्स पर टर्न अराउंड टाइम करीब करीब 100 घंटे के आसपास होता था, 100 आवर्स, अब ये घटकर 60 घंटे पर आ चुका है। इसे और कम करने के लिए निरंतर काम हो रहा है। साथियों, ये 5-6 उदाहरण कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और यहां इस हॉल में जो लोग बैठे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है कि कनेक्टिविटी, उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए जुड़ा हुआ गवर्नेंस, उसके लिए जुड़े हुए निर्णय, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कितना गहरा प्रभाव उसका पड़ता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इतना बड़ा परिवर्तन ऐसे ही हो गया क्या, रूटीन में हो गया क्या? जी नहीं, हमने सरकारी के सब विभागों में जो एक वर्टिकल साइलोस की परंपरा बनी रही थी, उस साइलोस को खत्म करने के लिए भरपूर प्रयास किया, कदम उठाए, सिस्टमेटिक एफर्ट्स किए और उसमें भी कोलैबोरेशन पर हमने बल दिया है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाकर चीजों को ठीक करने का हमने प्रयास किया है। आज जो एयरपोर्ट्स पर काम हो रहा है, रेलवे स्टेशनों पर काम हो रहा है,
मुझे पक्का भरोसा है कि आप उसके जरूर देखते हो या उसके विषय में सुनते हो। हमारे देश के लोग क्या डिजर्व करते हैं और उन्हें क्या मिला था, इसका फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। साथियों, कुछ साल पहले आए दिन रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की खबर आती थी, एक्सीडेंट की खबर आती थी। क्यों? क्योंकि 2014 से पहले देश में ब्रॉडगेज लाइन पर करीब करीब 9,000 अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग थी। अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग 2014 के बाद हमने अभियान चलाकर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन को अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग से पूरी तरह मुक्त कर दिया। अब मैं नहीं जानता हूं खबरों की दुनिया में एक खबर है कि नहीं है, लेकिन खबर है। कुछ ऐसा ही हुआ बायो टॉयलेट्स को लेकर के भी। पहले की सरकार के समय 3 साल में 9,500 बायो टॉयलेट्स बने थे। 3 साल में 9,500 रेलवे में। हमारी सरकार ने पिछले 6 वर्ष में रेलवे कोचिज में 2.25 लाख से भी ज्यादा बायो टॉयलेट्स लगवाए। अब कहां 9,000 और कहां 2.25 लाख। फ्रेंड्स, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में कभी, और मैं हैरान हूं इस तरफ हमारे देश के बुद्धि जगत का ध्यान नहीं गया है, क्योंकि शायद वो बातें चटपटी नहीं होगी। भारत में ट्रेन लेट होना ये शायद खबरों के दायरे से भी बाहर निकल गया था। ये तो होता ही है, बहुत स्वाभाविक है। इसमें क्या है भाई, ट्रेन है लेट होती, यही चलता था ना। इस देश में पहली बार उस कल्चर को लाया गया है जहां पर ट्रेन लेट होने पर पैसेंजर को रिफंड दिया जा रहा है। शुरुआत की, लेकिन यह शुरुआत करना, अब यहां कई लोग बैठे हैं जो दिन में 2 बार एयरलाइंस का उपयोग करते होंगे, तमाम एयरलाइंस भी लेट होने पर रिफंड नहीं देती है, लेकिन ये देश है जो आज रेल लेट होने पर पैसेंजर को रिफंड दे रही है। तेजस ट्रेन से चलने वालों को हमने ये सुविधा दी है, वहीं से हमने शुरुआत की है। और हमें पता है कि हमने ये कितना रिस्की काम किया है, मुझे मालूम है इससे क्या होने वाला है। और आज मेरे भाषण के बाद और मेरा रिस्क बढ़ने वाला है, क्योंकि तुरंत आरटीआई वाले आज रात को ही आरटीआई डालेंगे, पत्रकार भी निकल पड़ेंगे कि अभी तुरंत असाइन कर देंगे काम, ये कार्यक्रम पूरा होते ही कि जरा देखो यार कितना रिफंड गया। ये होने वाला है, और इस होने से गलत हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है, हम लोगों को संतोष है, और हमें इतना कॉन्फिडेंस है कि देश को हम उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसमें ट्रेन अगर लेट होगी तो सरकार जिम्मेवार होगी।